हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफ़ी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो मैंने आज तक अपने चैनल पे की नहीं थी, फर्स्ट टाइम ही करने वाली हूँ। तो मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा क्यों ना मैं भी करती हूँ। सो शायद आप लोगों को पसंद आए। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आएगी ना, तो आप मुझे कॉमेंट करना, मैं इस टाइप की और भी वीडियोज लेके आऊँगी। तो पहले मैं बता देती हूँ आज की वीडियो क्या, आज की वीडियो होने वाली है माई फॉलोअर्स विल डिसाइड वॉट विल आई ईट इन अ डे। मतलब मेरे फॉलोअर्स जो इंस्टाग्राम पर, वो डिसाइड करेंगे कि मैं आज पूरे दिन क्या खाऊंगी। सो आई विल एक्सप्लेन यू, मैं ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर सबकी स्टोरी लगाऊंगी, पोल लगाऊंगी, और जिस पे भी ज़्यादा मतलब परसेंटेज होगी मैं वही खाऊंगी पूरे दिन। ठीक है ना, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। हाँ, तो अब हो रहा है मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट का टाइम है, 11:30 बज रहे हैं। वैसे क्योंकि संडे वाले दिन तो यार आराम से बनता ही है ना, तो मेरे पास दो ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के, पोहा है मेरे पास, एक सैंडविच है। तो मैं दोनों की स्टोरी लगाऊंगी, फिर देखते हैं कि फॉलोअर्स किस पे ज़्यादा पोल करते हैं। आधे घंटे बाद जिस पे ज़्यादा पोल करेंगे फिर वही खाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं स्टोरी लगा के आती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। बट इतने में आप, जब तक मैं वापस आऊँगी, जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और बताना जरूर कि चैलेंज कैसे लगा, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है नहीं लग रही। तो जल्दी से करो, मैं जल्दी से स्टोरी लगा के आती हूँ। सो गाइस, देखो मैंने ये स्टोरी लगाई है, आपको दिख सकती है, सैंडविच है, पोहा है, और इस स्टोरी को लगाए हुए 3 मिनट हो चुके हैं। होप यू कैन सी, इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है। हाँ देखो, 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं मिलती हूँ पूरे आधे घंटे बाद, देखते हैं कि किस पे ज़्यादा पोल आएगा, फिर वी विल हैव दैट, सॉरी आई विल हैव दैट। ठीक है ना, देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैलेंज है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। सो गाइज, उस पोस्ट को लगाए हुए ऑलरेडी 33 मिनट्स हो चुके हैं, और मेरे पास जो सबसे ज़्यादा जो वोट्स आए वो मैं यहाँ पे डाल दूंगी, आप देख लेना। वो आए सैंडविच पे कि सैंडविच खाएं, बट मेरा मन पोहा खाने का था, लेकिन ज़्यादा वोट सैंडविच पे है, तो वेटिंग नहीं करेंगे, हम सैंडविच ही खाएंगे, आप देख लेना। अब हम बताते हैं सैंडविच जो निकाल लिए, पहले मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ, फिर मैं मिलूंगी। सो गाइज, मेरे सैंडविच बन रहे हैं, देखो एक सैंडविच ये डाल दिया, एक सैंडविच ये डाल दिया, बाकी की पिट्ठी ये रही, और ये मैंने अपना तैयार कर लिया मट्ठा। सैंडविच खाऊंगी मट्ठा, क्योंकि मट्ठा मुझे ना ताजी ताजी बहुत पसंद है, तो मैं सब चीज़ सेकने के बाद फिर मिलूंगी आप। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस, मैं यहाँ पे खा रही सैंडविच, मेरा मट्ठा बहुत टेस्टी है। अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। फिर से पोल डालने वाली हूँ इंस्टाग्राम पे, और आप भी, मेरे पास लंच में दो ऑप्शन, एक तो है मटर पनीर एंड एक है मटर की चाट। सो मैं दोनों पोल डालती हूँ और देखते हैं किस पे ज़्यादा वो आता है, जिस पे जो आएगा ऑफकोर्स वी विल हैव दैट। उसके बाद फिर हम मीठे का भी डालेंगे, इस मीठे के भी मेरे पास दो ऑप्शन है ना, क्या क्या, एक तो मूंग दाल का हलवा एंड एक क्रीम रोल। बेटा इसको यू क्रीम रोल अगर रखा था। तो चलो यार, वन बाय वन पोस्ट डालते हैं, लेट्स सी कि क्या क्या आता है मेरे पास। सो गाइज, मैंने ये स्टोरी लगाई थी, मैं इसको यहाँ डाल दूंगी, और ये मेरे पास रिएक्शन आया है, मतलब जो भी लोगों ने बोला है, तो मतलब 100% लोगों ने बोला है मटर, 0% लोगों ने बोला है मटर पनीर। शायद सबको मटर ही पसंद है, मटर पनीर पसंद। अब मेरा मन भी वही खाने का था, सुबह तो खैर मुझे सैंडविच खाने पड़े थे, बट अब फाइनली मैं वो खाऊंगी, उसके बाद फिर हम खाएंगे मीठा। तो मम्मी बना रही है मटर, लुक ये काट ली प्याज और ये हो गई मटर, मम्मी प्रिपेयर कर रही हैं, और फिर मैं इसके बाद खाऊंगी। सो मैं आपसे मिलती हूँ अभी। हाँ, तो ये रही हमारी मटर चाट और ये रहा पराठा। मैं मम्मी खा रहे हैं यहाँ पे आराम से बैठते, टेस्टी बन जाए। हाँ, मेरे मुँह आ रहा है ना, मैं लंच कर लेता, मैं आपसे मिलूंगी स्नैक्स के टाइम में। सो गाइज, आई एम बैक अगेन, एंड इट्स जस्ट नेक्स्ट टाइम बज रहे हैं शाम के 7, और मैंने डाली थी ये वाली स्टोरी, और इस पर आया ये वाला रिस्पॉन्स। तो मैंने डाला था पॉपकॉर्न एंड स्वीट कॉर्न, तो उसमें 67% लोगों ने स्वीट कॉर्न चूज़ किया, तो हम खाएंगे स्वीट कॉर्न्स। तो देखो मैंने तैयारी कर ली है, मैंने कांच के कंटेनर में कॉर्न्स मतलब वॉश करके उसमें पानी डाल रख लिया है, अब मैं इसको रखूँगी जस्ट माइक्रोवेव में। सो गाइज, मेरे स्वीट कॉर्न्स रेडी है, मैंने इसको बॉयल कर लिया, उसके बाद मैंने डाला बटर, देन चाट मसाला, एंड थोड़ा सा डालूंगी लेमन, ये स्क्वीज कर लूँगी, एंड स्वीट कॉर्न इज रेडी, फिर मैं इसको खाएंगे। तो पहले इसको बना लेती हूँ पूरी तरह से, फिर हम इसको खाएंगे। सो गाइज, यहाँ पे मैं इंजॉय कर रही हूँ अपना स्वीट कॉर्न सिरप, काफ़ी टेस्टी है, मैंने टैम्पलिंग बनाया है, और मैंने खाया पापा नहीं उगाएंगे, मम्मी का बनाया था,
तो आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, पसंद आ रही है नहीं पसंद आ रही कॉमेंट करो, इस टाइप के और चैलेंज देखना चाह रहे हो कॉमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो भर भर के, और मैं आपसे मिलूंगी डिनर टाइम में। वैसे यार इतना खा लेगी डिनर करने का मन तो करेगा नहीं, वैसे मैं डिनर में कमी करती हूँ जब से ऑफिस जाती हूँ, पर फिर कुछ भी मीठा वीठा खाएंगे तो उस टाइम में आपसे ज़रूर मिलूंगी मैं।